Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जिस रात जुलैखा गई है, तुम दोनों में से कौन था नूरजमान के साथ? वो मेरी सोनी सरकार ये था छोटे मलक साहब के साथ। इसको गड्डी में बैठ के सफर करने का बड़ा शौक है। वैसे माशाल्लाह इसका मुंह भी गड्डी की क्लच ब्रेक जैसा है गिड़दा करके। क्यों कैसे? अब बकवास ना करता रह 24 घंटे। चल जाए इधर से। चल अब बता क्या हुआ था उस रात। शाके हुक्म मलिक साहब, कल रात के किस्से को अपने अंदर गाड़ ले। कोई सदियों बाद भी ढूंढने की कोशिश करे तो उसको ना मिले। मलिक साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं जी, और कोई शाका के सीने से उसका दिल तो निकाल सकता है, पर इसमें दफन आपके लिए जो वफादारी है ना, वो किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। कुछ नहीं बड़े मलिक साहब, कुछ भी तो नहीं हुआ। इधर देखो मेरी तरफ, और अब बता किधर गए थे नूरजमान के साथ? वो जी छोटे मलिक साहब अपने दोस्तों के पास गए थे जी। वहां उनको नींद आ गई और उन्होंने कहा कि सुबह चलेंगे, और हम तो वैसे ही नौकर लोग हैं जी, हुक्म के गुलाम। और ज्यादा बकवास न कर, तू मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं बंदे की खाल उतार देता हूं, याद रख। तू जा, मैं संभाल लेता हूं। चाचा जान आप मुझसे पूछ ले, मैंने आपको कसम भी दिया, फिर भी मुलाजमों के सामने ये बात करके हमारा रिश्ता खराब कर रहे। और जब तू मुझे खुद नहीं बताएगा तो किसी ना किसी से तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। मैं तुझे कहा ना जा, मैं संभाल लूंगा। देख नूरजमान, तेरी शादी तक तो मैंने पुलिस को रोक लिया था, लेकिन तेरी शादी के बाद ये चैप्टर तो खुलेगा ना। आप बेफिक्र हैं चाचा जी, जुलेखा को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा। आपकी इज्जत से बढ़कर और कोई चीज नहीं इस दुनिया में मेरे लिए। अच्छा मेरी बात सुन, मैंने तेरा निकाह बड़ी सादगी से किया था, पर इसका यह मतलब नहीं कि हमने कोई जश्न जुश्न मनाना ही नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी दावत का इस्तेमाल किया, उसमें मैंने बड़े बड़े लोगों को बुलाया। मैं अपनी भांजी तुझे ऐसी तो ना दे सकता। अच्छा मेरी बात सुन, ये जो मैं तुझे कभी कभी डांट देता हूं ना, इसमें तेरी भलाई है। जानता हूं चाचा जी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, और मैंने अपने इलाके के मौजूद लोगों की एक लिस्ट बनाई है, तूने खुद जाना है उन सबको इनवाइट करने है। ठीक है? जी चाचा जी, जैसा आप चाहें। और इस्लामाबाद से भी लोग आएंगे, हो सकता है मियां साहब खुद ही आ जाए। सारा सिक्योरिटी का बंदोबस्त तूने ही करना है यहाँ, समझे? जी चाचा जी, आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। बशाबाश, जी करो,
अपने अंदर हो। सिकंदर मित्र, अपनी मनमानी करके तो भुगत लिया मैंने खाली, लड़का नहीं तो ये घर कुछ नहीं। ये घर अब आपके हवाले, सुलेखा को वापस लेकर ही आऊंगा। ये दुआएं सदा तेरे नाल है पुत्र, हमेशा खुश रहे, जिंदा रहे। तकदीर दिया टूट अच्छा तुम आ गए यहाँ, पता है वहां अकेले ऐसे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते। मैं भी बहुत परेशान थी, अब साथ है ना तो फिर साथ मिलके सब कुछ हल भी कर लेंगे। हम ढूंढ लेंगे जुलेखा को, तुम परेशान मत हो।
मिलके ढूंढेंगे। चाय पी ली। आज तुम दोनों की जिंदगी का नया दौर शुरू होने वाला है और मुझे यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा खुश रखोगे। आप फिक्र ना करें चाचा जी, आपको किसी चीज की शिकायत नहीं होगी। मुझे पता है पुत्र। देख बेटा, मैंने हमेशा तुम दोनों को अपनी सखी औलाद से बढ़ के पाला है। अगर आज तुम्हारे माँ बाप होते ना जिंदा, तो बड़े खुश होते। मैंने कभी तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं की, कभी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, है ना? हाँ मजान। बेटा मैं चाहता हूं कि जिस मान से मैंने तुम दोनों की शादी की है ना, बस इस मान को तुमने हमेशा कायम रखना है, मुझे जलील नहीं होने देना। मजान आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान तो हम कभी नहीं लुटा सकते। मैं आपसे वादा जरूर कर रही हूँ, आपको हम दोनों से कभी कोई गिला नहीं होगा। सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, आपने जो फैसला लिया है उससे आपको जरूर फख्र होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी बेटा, आओ बेटा।